गुड मॉर्निंग सैम। तिवारी, ये मेरी पार्किंग में बाइक किसने लगा दी है? सैम सैम, मैंने ही सुधीर की बाइक वहां रखी थी तुम्हारे लिए, पार्किंग की जगह बचाने के लिए। अब सैम का खाने का टाइम हो चुका है, लंच टाइम है, आप लोग भी खाना खा लो प्लीज। मूव अप। व्हाट द हेल डू यू थिंक यू आर डूइंग? आई लव यू एंड यू मीन अ लॉट टू मी, जस्ट अंडरस्टैंड दिस, आई जेन्युइनली डू। यू जस्ट 19 साल के लड़के हो तुम। कल रात हमारी कंपनी से कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लीक हुआ है, वी हैव बीन हैक्ड। लाइन पे आ गई तुम्हारी बॉस। ये सब तुमने किया है? तुम्हें मेरी जरूरत है, बस तुम्हें उसका अंदाजा नहीं। शट अप। तुझे हासिल करूंगा ये जिद है, चाहे कुछ भी करे जहां, मैं लिखूंगा ये तकदीर तेरी, चाहे कुछ भी लिखे आसमां। तुम्हारे लैपटॉप से तुम्हारे ईमेल से मेल भेजा गया, oh my God, मगर तुमने नहीं भेजा। नहीं। तुम्हारे और ओम के जो हॉट फोटोज है वो इंटरनेट पे ट्रेंड कर। आई थिंक योर फेसबुक अकाउंट इज हैक्ड। उसने मेरे सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैक कर लिए। देखा, एक हैकर का दिल तोड़ने का नतीजा अब भी वक्त है सैम। मैं चाहूं तो सब कुछ पहले जैसा ठीक कर सकता हूं, या सब कुछ इतना बिगाड़ सकता हूं। ये लड़का सिर्फ 19 साल का है, इतनी कम उम्र में इतनी घिनौनी हरकत कर कैसे रहा है? शैतान की कोई उम्र नहीं होती है। मुझे तुम जैसे लोगों पे ना एक्चुअली तरस आता है, तुम्हें पता भी नहीं चलता है और तुम्हारी आंखों के सामने पूरी दुनिया बदल जाती है। सारे राज इंटरनेट पे दफना देते हैं, उस पे भी जैसे कमीने लोग उन्हें ढूंढकर हमें ब्लैकमेल करते हैं। चाणक्य ने कहा था, एक आदमी को पावरफुल बनने के लिए सीक्रेट्स की जरूरत पड़ती है, और वो मैं कंट्रोल करता हूँ। योर लाइफ इज हैक्ड, समीना कन्ना। एक पॉइंट था जहां पर मैं तुमसे शादी करना चाहता था। आई हैव डिसाइडेड, आई विल यूज यू फॉर सेक्स। इंटरनेट पे कोई भी चीज छुपी नहीं रहती है। कैसा लगेगा आपको अगर हर टाइम हर वक्त कोई आपको देख रहा है, हर जगह आपकी सारी पर्सनल बातें सबको पता चल रही है? डर लगता है मुझे भी। जानने के लिए देखिए बुक माई शो के मूवी वाउचर के साथ पूरी कहानी 7 फेब को थिएटर्स में।